हिमाचल पेंशन। हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिमला ग्रामीण से विधायक वीरभद्र सिंह के निधन की खबर मिलते ही पूरे प्रदेश में मातम छा गया है। प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में 3 दिन का शोक घोषित किया है। जहां कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने पुत्र और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के कैबिनेट मंत्री बनने पर जिला में मनाए जाने वाले जश्नों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी द्वारा भी किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने दुख जताते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा 2 बार केंद्र में वे मंत्री पद पर भी रहे, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने एक महान राजनीतिज्ञ योद्धा खो दिया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह बहुत बड़े फाइटर थे, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष भी किए और हर संघर्ष से जीत हासिल की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। आज प्रातःकाल ही प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के दुखद निधन का दुखद समाचार सुनने को मिला। बहुत दुख हुआ। वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार लोकसभा में और मंत्री भी रहे केंद्र में। प्रदेश में लगातार देश और प्रदेश की सेवा की है। वो एक बहुत बड़े फाइटर थे। जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुसीबत का सामना किया और सफल भी हुए। एक बड़ा युग हिमाचल की राजनीति में समाप्त हो गया। वो हमेशा अपनी सेवाओं के लिए याद रखे जाएंगे, दृढ़ निश्चय के लिए याद रखे जाएंगे। मैं उन्हें श्रद्धा से समर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को, समर्थकों को, इस सदमे को सहने की शक्ति मिले और वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे। इसे श्रद्धा से समर्पित करते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देता हूँ।